आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 111111111 की 3×3 क्रम की मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो इसमें तीन रो हैं और तीन ही हमारे पास कॉलम है, तीन रो तीन कॉलम, तो सिद्ध करना है कि a की पावर n का मान ये होगा। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना चाहिए, तो जैसे ही एक क्रम बनता है तो हम ए की पावर एन का मान निर्धारित कर सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 111111111 और हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल सेम मैट्रिक्स से 111111। तो ऐसे करके हमारा जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा करें तो कैसे करेंगे, देखो हम इस रो को, जो भी ये कॉलम है, हम इस कॉलम को इस पूरी रो पर रख देते हैं, यानी 1×1 + 1×1 + 1×1, तो ये कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही सेम फिर हम इस पर कर देंगे तब भी हमें 3 मिलेगा, और ऐसे ही हम इस कॉलम को इस रो पर गिरा देंगे तो ऐसे ही 3। फिर क्या करेंगे, इस कॉलम को सेकेंड वाली रो पर गिराएंगे तब भी 3, इस पर भी ऐसे 3 3, तो हमें सब में 3 3 मिल जाएगा। अब ऐसे ही हम ट्रेंड करते हैं ए क्यूब पर, तो ए क्यूब हमारा क्या बन जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और यहाँ पर ए क्यूब के लिए हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो हमारा ये हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस कॉलम को इस रो पर गिराना है, तो 3 + 3 + 3, तो ये कितना बन जाएगा, 3 3 6 3 9, तो 9। फिर ऐसे ही इसमें भी क्या बनेगा, 3 + 3 + 3 9, तो सब में 9 9 9 आ जाएगा, 9 9 9 9 9। तो इससे हम ट्रेंड बना सकते हैं कि जो हमारा ए क्यूब हो गया वो क्या हो गया, ए क्यूब इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ से 3 स्क्वायर 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 और 3 स्क्वायर। और ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक स्क्वायर में क्या ट्रेंड था, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 थे इसमें सारे के सारे, और जो ए क्यूब है उसमें हमारे 3 स्क्वायर हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए की पावर एन में क्या होगा, यानी जहाँ पर जितनी पावर है उससे एक कम पावर यहाँ पर है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1। तो ये इस टाइप की हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 3 की पावर n-1 वाली, क्योंकि ए की पावर एन में जहाँ पर जितना है उससे एक कम इधर है, तो ऐसे ही 3 की पावर में हम ये चीज लगा देंगे। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।